एवरीवन, वेलकम बैक टू मास्कर रिएक्शंस। कैसे आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक हैं। और रिएक्शन करने लगी हूँ एमसी स्टैन के एक और लाइव वीडियो पर। उसके लाइव बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, उसकी लैंग्वेज, उसकी बातें बहुत अच्छा लगता है सुन के, और कुछ ना कुछ बीच में इंटरेस्टिंग सा कुछ ना कुछ निकल आता है जो हम सुन पाते हैं। सो ये भी एक लाइव है जिसमें उसके बाल मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, जो मतलब आप देख सकते हैं अगर, तो रेड कलर के बाल होंगे अभी वीडियो में। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करना। पहला चैनल अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गया स्ट्राइक्स की वजह से, तो यहाँ पर आपकी सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड लेट्स प्ले द वीडियो। रिस्ट थोड़े इनमें नासा पेपर मदी वाचा माँ के लिए कभी तूने हाथ काटा गुनेगार का भाचा रेंदे या फिर चाचा ये को ड्रैप के लिरिक्स बोल रहे थे। स्नेक एक्सप्लेन करूँ बोलते तो टाइम नहीं है मेरे पास ब्रो। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता तुम लोग को, जो जो मेन मुद्दा है मैं सिर्फ वो बोलने के लिए आया ब्रो। बाकी शबे मेरा पड़ा कल सब अगले महीने से रमजान चालू होने वाला है। इस मंथ में कुछ भी नहीं रमजान कर से पहले सकता का ना लाइव है रैप भी ये। पैमसी चैन। मेरे को खुद को नहीं मालूम कौन है क्या, मेरे को नहीं मालूम ब्रो। इबादत में अपना पूरा नाइस कुछ तुमको खुद को मालूम है ब्रो। यार, उसके बाल देखो कितने अगला महीना मुश्किल हेयर रमजान स्टाइल महीना है है। ये, वेरी अस्तगफिरुल्लाह डिफिकल्ट। अस्तगफिरुल्लाह हक से। ओके तो मेरे को ये बोलने का था, फक नो फिल्टर, ओ व्हाट इज नो फिल्टर? फक नो फिल्टर। ये नो फिल्टर क्या है? लिखा हुआ वैसे नो फिल्टर, टॉकिंग अबाउट नो फिल्टर, बट उन लोग व्हाट ने इज मेरे नो को फिल्टर? अटका डाले तड़ी पार बोल के, मेरे से और दो एल्बम साइन करा डाले बिलीफ के साथ जो मेरे को नहीं करने के थे। उन ओके लोग ने बिना पूछे, इनका बाप लिखने वाला था या माँ लिखने वाली थी एल्बम दो, इन कुछ मालूम मैं ब्रो, मेरे को नहीं मालूम। इन लोग ने और साइन भी करा डाले मेरे से और बहुत कुछ, और मेन सीन ऐसा है कि मैं इन लोग के आई बारे थिंक में कोई कुछ म्यूजिक नहीं कंपनी बोल होगी नो सकता फिल्टर। क्योंकि इन लोग ने क्लॉज डाले ने मेरे पे कि मैं इनके बारे में अगर कुछ बोलेगा तो मेरे पे केस कर सकते, तो मैं इसलिए कुछ नहीं बोल सकता। तुम लोग बोले बोल बोल आ रहे कुछ, मैं क्या बोलेगा ब्रो अपन, और मेरे को नहीं रे माम, मतलब कुछ नहीं दिया अभी तक, फक नो फिल्टर, कुछ नहीं दिया अभी तक उन लोग ने मेरे को ओके एड वीड धोखा हो कुछ गया नहीं, स्टैन के साथ। कौन नहीं कुछ नहीं। जीतते थे वो तड़ी बार में से पैसे निकल के लिया सामने वाले ने, शाना हो गया, और मैं अभी शाना हो गया। नहीं वो ऊपर वाला सिखा रहे भाई, अपने को लेसन से सब सीखने वाली बात है, घुसने वाली बात नहीं है। नहीं तो क्या है, घुस गए रहते, फोड़ डाले रहते, पूरा ब्लास्ट कर डाले रहते। बीफ क्या, फक बीफ ब्रो, बड़े का नहीं खाते हैं क्या ट्रिक करने ब्रो। मैं कुछ ज़्यादा सच बोल रहे ब्रो, मैं कुछ झूठ बोलना पड़ेगा ब्रो, ओह माय फक गॉड, ही कुछ ज़्यादा सच बोल रहा। इज वेरी ऑनेस्ट। झूठ बोलने से पहले भी बता रहे कि झूठ बोल रहे हैं अब। बहुत गंदा अटकी दी ले रहे और मेरे गाने भी ना आने दे रहे। 6 ओके सॉरी सॉरी रुक, 3 महीने, हाँ 3 महीना ब्रो, 3 महीने तक इन लोग ने फुल फक ट्रिप करेगा। फुल ऐसा सीन ना कि भाई जो ये बोलता एडलिब्स वीडलिब्स सब किल करा मैंने, वीडियो एडिटर फक देम ब्रो, मतलब फक रे लोग छी रे, मतलब इतना सारा गंदा चीज करेला ना मेरे साथ, मैं बोलना भी नहीं चाहता ब्रो ओहो, क्या ऐसा क्या क्यों करेला। किया था उन्होंने? मतलब स्टैन को उन्होंने गुनाह शायद इन बोलने का यूज रे किया माम, होगा बस। मैं और स्क्रीनशॉट वीन शॉट वो सब नहीं रहे हो रे। देख पब्लिक ऐसे स्क्रीनशॉट वीन शॉट डालती ब्रो, पीएचडी वाला वो आर्ट वो कला। अरे क्या तू पीएचडी वाला है, क्या बीफ कर रहा छूते मेरे साथ, क्या बीफ कर रहा भोंडे ओह गॉड, शेमड़े, बीफ कर रहा बीफ भी क्या ब्रो। देख सीधी बात बोलता मैं किससे बीफ नहीं करता ब्रो, तू शेमड़ा है। ऐसा सीन था आर्टवर्क वाले स्नेक शेमड़ा। का, जिसने आर्टवर्क बनाया वो क्लियर करता मुद्दा, बहुत बहुत हो चालू इसका, मैं देख रहा नहीं गया, बार बार पब्लिक टैग भी कर रही मेरे को। शेमड़ा ही कौन तो बाज का ना, उसने उसको बोला मैंने, उसने बनाया 2 मिनट में पोस्टर बना के दिया, उसके बाप ने बनाए थे क्या 2 मिनट में पोस्टर ब्रो मेरा स्नेक का। चार इधर एडिटर मेरे बाजू में बैठे, भाई मैं बना था भाई मैं बना था। मैं बोला ब्रो सामने वाले को दे डाला तो दे डाला, अभी कैसे, अभी उसने उसका उसकी बहन का रेट ने बताया, सॉरी ओह माफ गॉड करो मेरे को, स्टैन, अपन सेलिब्रिटी बन गए, गाली वाली कुछ ना आर्टिस्ट लोग समझ रहे ना। उसने उसका रेट ने बोला ब्रो, उसने उसने उसका प्राइस ने बोला कि कितना आर्ट वर्क के लिए दूँ और क्या करूँ ये वो नहीं का, और सिर्फ मेरे को मतलब एंड उनको मेरा नाम ज खराब करने का, सब लोग को, सब लोग देख रहे हैं इसका नाम कैसा खराब करने का वैसे ब्रो। बिग मैं बॉस क्या में स्टैन गलती ने ढूंढ कितना रहे हो, इतना कंट्रोल किया परफेक्शन होगा ना दे अपनी रहे ना आपको कि लैंग्वेज पे। गलती ढूंढ रहा सामने वाला, बोले इसको कैसा बोले नीचे लाने का, से
समझ रहे हो, तुम लोग को खुद को जालसी मालूम है, स्टैन से सब कुछ नहीं बोलना जालस हो रहे चाहता ये होंगे ना छूते लोग इसलिए। पे। सामने वाले ने स्नेक के एक दिन पहले गाली दिया ना, जब ही जाके उसने मेरे को आर्टवर्क सेंड करा और पीएचडी फाइल भी नहीं करा ब्रो, उसको मालूम ही नहीं प्रोफेशनल बोले। उसको मैं मांग रहा, एक हफ्ता हो गया ब्रो, लिटरली एक हफ्ता, सामने वाला दे रिप्लाई नहीं कर रहा, नहीं क्या आईटी दिखा रहा। मैं उसको बोला ब्रो, अरे आईटी बाद में दिखा ब्रो, ये मेरा काम है, नहीं क्या तू कर, बोला आईटी अच्छे से दिखा, बोला बाद में, कुछ सीन नहीं, नहीं क्या ऐसे सीन था कि कुछ भी रे, मतलब अटेंशन के लिए कुछ भी। मेरे को समझ रहा नहीं पब्लिक कोई ब्रो, मेरे को नाम भेज डालू, मैं पोस्ट डाल डालूंगा सबका फेम के लिए, इन लोग को मांगता तो ऐसे सब करो रे, बीप बीप मत करो, बहुत कुत्ता बना डालेंगे डायरेक्ट। ओहो कुत्ता और बना भूप यो डालेंगे। एस ओह माय गॉड स्टैन अब्यूसिव होने डिस वाला है नहीं रे बस। ब्रो, क्या डिस करो यार, अपन ने चलाई ले, तुम लोग को खुद को मालूम क्या कल्चर, क्या क्या हिप हॉप ब्रो, मेरा क्या हिप सारा हॉप, ध्यान बार बार उसके बालों पे जा रहा है। बहुत नो कैप, नो कैप ब्रो, नो कैप, नो मो ब्रो। ये हो सकता है कि उसके एक्सटेंशन हो, विग जितना क्लियर हो, करने का था रियलिटी मैंने में कर ऐसे डाला बाल ब्रो, कैसे हो सकते हैं? सबको अटेंशन मांगता, पीएचडी वाले को बोलना चाहता ब्रो, जब भी मैंने गाली दिया तभी क्यों रिप्लाई किया तूने, एक हफ्ते पहले क्यों नहीं किया, एक दिन पहले रिप्लाई कर रहे ले ब्रो, मैं डिसेंट नहीं बन सकता ब्रो, मतलब मेरे में नहीं है भाई डिसेंट गिरी। डिसेंट गिरी हाँ हेयर कलर स्टैन की चेंज, यही अच्छी अस्तक बात है, फार वो मैं बहुत डिलीट कर ज्यादा दे रहा हूँ जानून भाई है, एकदम से नेचुरल भाई। है। क्या बोलते हैं उसको, मैं काट डालेंगे ब्रो बाल, मैं काटने वाला हूँ बाल भी लिए, सब कुछ नहीं रहता भाई, आखिरत का देख रहे लिया अपन, ये सब क्या है आप भी कुछ नहीं है ब्रो, ये सब रमजान में अल्लाह माफ स्टैन करे शरीफ मेरे होने को। वाला है। इसका मतलब उसके रियल बाल हैं इसलिए कह गाना रहा है आज काट सुन देने। कहाँ पर है, हाँ गाना आ रहा, गाना आएगा अभी, सामने वाले ने लटका के रखे ब्रो, मैं क्या कर सकता माँ, मेरे गाने कितने रेडी, मैं तुमको देखो दिखाता सिर्फ नाम ने ये देख लिटरली ब्रो, ये देख कितने रे रे सॉन्ग्स देख हैं जिसके तुंदे रिलीज गाने पे ही नहीं हो पाए, आई तुंदे होप कि रे बाहर तुंदे आके वो करके रिलीज रे करे, बिग रे बॉस से रे बाहर करके आके। ट्रैक ऑन दी वे, ये देख ट्रैक ऑन दी वे, इसके अंदर खोला तो कितना है, देख स्क्रॉल करेगा तो देख कितना है ब्रो, कितना है, क्या है ब्रो आपके पास, ये देख और बात हो गया, और बात हो गया तुमको, और बात हो गया, जानने अपने वाले हो खुद तुम सब के को, YouTube चैनल पर वो रिलीज करता पहले रहा अपन कुछ बस, तो, मैं आई डोंट हाँ नो तुम लोग को क्यों नहीं मालूम करता। रहेगा ब्रो कि लीक मतलब मैं लीक कहीं को कर रहा था ना क्या, मतलब ये देख एप्पल प्रोजेक्ट, ये देख भाई कितने गाने रेडी है, देख ये देख भाई जाओ सिर्फ ऊपर नीचे जाओ, इतने तो है, ये तो है अलग है भाई, एक्सपोर्ट शीट क्या है क्या मांगता है, ठूनू छूनू पीछे क्या अलग है, कितने सॉन्ग थे यार उसके जो अभी तक हमने सुने इतने ही तो नहीं है। रेडियन तो क्या करूं भाई, गाने नहीं आने दे रहे पब्लिक अपने बाहर में, क्या करूं, कौन नहीं आने दे रहा ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया। एक डाले रो भी मां आई लव यू ऑल, लोग ने ट्रेंडिंग पे लाया स्नेक को, वी लव यू टू। तुमको बहुत प्यार, मैं बहुत अकेला हो गया है मेरे भाई लोग, मेरे को समझो यार, मैं नहीं, बहुत कोल्ड वर्ल्ड है यार, बहुत ज्यादा हार्टलेस वर्ल्ड है ब्रो, अपन नहीं रह सकता इसी दुनिया में। आय हाय कुछ स्नेप बोलते सुनते कुछ तो, यहाँ पर स्टैन आई थिंक बहुत स्क्रीन लोनली फील शॉट्स का कर रहा था ट्रेंड चल क्योंकि रहा है जो किसके कुछ साथ बात उसकी करो, ये नो सिचुएशंस थी स्क्रीन शॉट्स का सारी। ट्रेंड चल रहा है किसके साथ बात करो, ये मेरा गाना आ रहा स्क्रीन शॉट कहाँ पर है के बाद, जितने भी स्क्रीन शॉट है ना सब डाल दूंगा, इसमें सबको ही सबका इकट्ठे ही डिस होने डिसेंट वाला मत था लेकिन वो आ ही नहीं पाया सॉन्ग। एडी की लो भी मत मेरे साथ में, आप ब्रिज बोल रहे लाए, एक साल तक फक नो फिल्टर डाला तो मेरे क्या बोलते स्टोरी पे, रोज इंस्टा की स्टोरी पे, सामने वाले को छोड़ेंगे ना भाई, मैं सामने वाले ने बहुत गंदे दिन दिखाई ले रहे अपने को, ऐसा नहीं कि घर में खाने पीने आप ले नहीं क्या, समझ रहा क्या, सब है अपन ब्रोकास्ट निगर नहीं है ब्रो, तो फिर अपन उनसे ब्रोक निगर कैसे डील नहीं है किया ब्रो, मैं था लास्ट बार स्टैन बोल रहा ने? है अपने घर पे है सिर्फ मैं,
ओके सो ये वीडियो बेसिकली यही थी कि वो अपने वो जो उसके साथ धोखा चल रहा था या हो रहा था नो फिल्टर कंपनी की तरफ से उसके बारे में बता रहा, लेकिन फिर उसने क्या सलूशन निकाला और क्या कैसे ये सारी प्रॉब्लम से डील किया ये तो मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताना, क्योंकि ये मुझे याद आ गया है, अभी ही याद आया कि मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें बता रहे थे कि नो फिल्टर कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था स्टैन के साथ उसके सॉन्ग्स रिलीज़ करने का, लेकिन उन्होंने स्टैन को कुछ दिया नहीं है, सो इसका यही मतलब हुआ कि उन्होंने यूज़ किया होगा स्टैन को। पता नहीं, अब तो स्टैन का खुद का यूट्यूब चैनल है ना, वहाँ पर वो अपलोडिंग करता है सॉन्ग्स की, और स्क्रीन शॉट सॉन्ग्स बहुत से सॉन्ग है जो कि आई ही नहीं है और वो दिखा भी रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आए, कौन है जो रिलीज़ नहीं होने देता जिस तरह वो कह रहा है। सो आई होप कि अब बिग बॉस से बाहर आएगा तो उसके सारे गाने जो हमने अभी तक नहीं सुने उसने बना के रखे हुए हैं वो तो आएंगे, लेकिन उसके साथ नए लेटेस्ट रैप जो है वो अपना हो सकता है सारा अब वाला एक्सपीरियंस भी शेयर करे बिग बॉस वाला, या बिग बॉस के अंदर उसको एक रैप तो देना बनाना चाहिए, क्योंकि जितनी दफ़ा सीजन में सिंगर्स आते हैं ना वो एक एक गाना तो अंदर थोड़ा बहुत लिख के ही जाते हैं, स्टैन को एक बिग बॉस पे रैप बनाना चाहिए। आई होप के फिनाले करीब है तो उसके दिमाग में आइडिया आए, और या उसको ऐसा टास्क दे दो कि वो एक रैप लिखे बिग बॉस में, मज़ा आएगा सुन के। सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड आई होप के आप मुझे ऐसी वीडियोज़ वगैरह सेंड करते रहेंगे इंस्टाग्राम पर, और पारा चैनल अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गया है, सो मुझे यहाँ पर आपकी सपोर्ट अब चाहिए वैसे ही जैसे आप मुझे पहले सपोर्ट करते थे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।